के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता जैसे प्रीमियर सिटी में एक हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर रूम में महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो अगर अभी हम नहीं जागेंगे, अगर अभी हम नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? इस इंसिडेंट ने हम सभी डॉक्टरों का मनोबल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, क्योंकि हम अपने घर छोड़ के आते हैं, हम हफ्ते में अपने माँ बाप को देखने के लिए हफ्ते में एक बार जाते हैं और यहाँ पे दिन रात पेशेंट की सेवा में, उनकी जान बचाने में लगे रहते हैं। और जब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना खाना छोड़कर, अपना पीना छोड़कर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर पेशेंट की जान बचाने पे फोकस कर रहे हैं, और बाद में ऐसा क्राइम किसी फीमेल डॉक्टर के साथ किसी भी कोने में होता है, तो हम सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स की अंदर से रूह कांपने लग जाती है। अरे, ये इमरजेंसी सेवाएं हमने बाधित नहीं की है, क्योंकि हमें भी मरीजों की फिक्र है, लेकिन हम मजबूर है, अगर हम ही सेफ नहीं है तो हम मरीजों का कैसे सेफ्टी दे पाएंगे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जो मामला सामने आया है, लगातार उसको लेकर देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मामला वही जो एक ट्रेनी डॉक्टर है जिसके साथ पहले रेप किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसी को लेकर तमाम देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रोटेस्ट और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको लागू किया जाए और इस मामले को लेकर CBI जांच की जाए। लगातार ये इस मामले को लेकर जितने भी स्टेट हैं उसके अंदर जो हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तमाम डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट लगातार जारी है, दिल्ली के बाहर जो स्टेट्स हैं, चाहे वो UP हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम जितने भी राज्य हैं उसके अंदर प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है धरना देने का, लेकिन जो हुआ है बहुत ही दुखद, बहुत ही निर्मम घटना हुई है। वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता जैसे प्रीमियर सिटी में एक हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर रूम में महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो अगर अभी हम नहीं जागेंगे, अगर अभी हम नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? तो इसलिए हमारी डिमांड्स है, तीन मेन डिमांड्स है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है इस मामले को पूरा लीपापोती करने में लगी है, तो हम CBI जांच चाहते हैं। दूसरी डिमांड है कि डॉक्टर्स को वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी के लिए जो एक्ट है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी तक लागू नहीं हुआ, वो लागू किया जाए जल्द से जल्द। और तीसरा ये कि आरजीकर की जो अथॉरिटीज़ है बहुत ही इरिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही, उनको परमानेंटली हटाया जाए। तो ये जाँचें, ये हमारी मांगे, अगर जैसे ही पूरी हो जाएंगी हम धरने से उठ जाएंगे। और आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं हमने बाधित नहीं की है, क्योंकि हमें भी मरीजों की फिक्र है, लेकिन हम मजबूर है, अगर हम ही सेफ नहीं है तो हम मरीजों का कैसे सेफ्टी दे पाएंगे? इससे पहले देखिए, तमाम जो है हॉस्पिटल्स, चाहे वो एम्स हो या सफदरजंग हो या RML, तमाम फेमस जो हॉस्पिटल्स हैं देश के बाहर में, क्यों ना या अलग अलग कह लीजिए स्टेट में, क्यों ना, तमाम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सपना लेकर आते हैं। और इस तरीके की चीज़ें हो जाने के बाद तो क्या लगता है कि जिस तरीके से एक सरकार कहती है कि हमने इतना आश्वासन दे दिया है या फिर इतनी मदद करेंगे आर्थिक तौर पर, उसको लेकर? हाँ, तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। आप उस पेरेंट्स के बारे में, वो माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने एक लड़की को बड़ा किया, इतनी मेहनत से, गरीब घर की लड़की थी, उसको पढ़ाया लिखाया और इतने सारे सपने थे, उसको ऐसे चकनाचूर कर दिया गया है। तो सरकार हमें आश्वासन देगी उससे हम नहीं मानने वाले, हमें ठोस कदम चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है, छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता है, सरकार हमें आश्वासन दे के चली जाती है, वो नहीं होने वाला। इस बार हमें ठोस कदम चाहिए। तो क्या लगता है इस एक दिन के प्रोटेस्ट से? ये प्रोटेस्ट एक दिन का नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो इनडेफिनिट स्ट्राइक होगा। और अभी तो हमने इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल बाधित नहीं की है, बट अगर हमें मजबूर किया गया तो आगे क्या होगा हम बोलना मुश्किल है। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, CBI इंक्वायरी चाहिए, हमें नहीं चाहिए SIT बंगाल की गवर्नमेंट की इंक्वायरी, हमें नहीं चाहिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी इंक्वायरी, बस मुझे CBI इंक्वायरी चाहिए। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं, बस हम CBI। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुना है, ममता दीदी ने कहा है कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मतलब यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए देन वी विल गो टू मतलब CBI इंक्वायरी। बट हम लोग CBI इंक्वायरी चाहते हैं, हम नहीं चाहते वहाँ की SIT। हमारी डिमांड ये, दूसरा डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 वो इम्प्लीमेंट हो, और तीसरा मेडिकल कॉलेज के जितने भी मतलब रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जिन्होंने मतलब इसमें जिन्होंने काम में मतलब इन्वॉल्वमेंट है, उनको सबको परमानेंटली रिजाइन किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश भदौरिया है, मैं यहाँ पे डर्मा डिपार्टमेंट में PG रेजिडेंट हूँ। अभी सर, जिस तरीके से आपने खबर सुनी कि एक मतलब बच्ची इंटर्न पर आती है, इस तरीके की चीज सीख रही है, और जितने भी रेजिडेंशियल डॉक्टर्स हैं वो सारे आज धरने पर बैठे हैं, सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से दिल दिला दिया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? इस इंसिडेंट ने हम सभी डॉक्टरों का मनोबल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, क्योंकि हम अपने घर छोड़ के आते हैं, हम हफ्ते में अपने माँ बाप को देखने के लिए हफ्ते में एक बार जाते हैं और यहाँ पे दिन रात पेशेंट की सेवा में, उनकी जान बचाने में लगे रहते हैं।
और जब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना खाना छोड़कर, अपना पीना छोड़कर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर पेशेंट की जान बचाने पे फोकस कर रहे हैं, और बाद में ऐसा क्राइम किसी फीमेल डॉक्टर के साथ किसी भी कोने में होता है, तो हम सभी मेडिकल फैटर्निटी के डॉक्टर्स की अंदर से रूह कांपने लग जाती है। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम इतने एफर्ट्स, इतना दिन रात मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए कर रहे हैं क्या वो लोग, उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि एक डॉक्टर कितनी सफरिंग्स के बाद डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर बनने के बाद भी कितनी मुश्किल ड्यूटी वो कर रहा है। कोई और प्रोफेशन आप मुझे बताएंगे जहाँ वो लगातार 24 घंटे, 36 घंटे, 46 घंटे ड्यूटी करता हो? हम डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटीज कर रहे हैं। हमें रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे हम ड्यूटी पर रहते हैं। हमें किसी भी टाइम पे वार्ड से कॉल आ जाएगा, हम खाना खा रहे हैं वो छोड़ के हम पेशेंट की जान बचाने जाएंगे, फिर भी हमें सोसाइटी से क्या मिल रहा है? सोसाइटी में किसी ने अभी तक इस काम के लिए हमें सपोर्ट नहीं दिया। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो डॉक्टर्स का नंबर है ना, वो बहुत कम है। 1-10 हज़ार लोगों पे बस एक डॉक्टर है हमारे देश में। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुनते हैं, जितने पॉलिटिशियन, नेता, अभिनेता, जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग करते हैं नंबर्स, जहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ नंबर्स हमारे थोड़े कम हैं, तो लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। बट हम लोगों से बस ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको कभी कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब आपको दर्द होता है, एक्सीडेंट होता है, बुखार लगता है, आपके माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? और वही डॉक्टर्स आपके बच्चों को देखने से मना करते, आपके घर वालों को देखने से मना करते, आपको जब बीमार हो तब देखने से मना करते, तो आपको कैसा लगेगा? तो जब आप डॉक्टर के साथ उसके बुरे समय में नहीं खड़े, तो आप कैसे सोच सकते हो कि डॉक्टर आपकी सहायता करेगा जब समय? तमाम डॉक्टरों से बात करने के बाद उनकी लगातार जो मांगे हैं वो यही है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, और इस मामले को लेकर CBI जांच हो, और जो डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है उसको कड़ी करी जाए, ताकि ऐसे जो मामले हैं और सामने ना आए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और देखते रहिए देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।